नमस्कार मित्रों, स्वागत है पागी द गाइड पर। और मैं हूं भवानी सिंह और अभी मैं हूं दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर, यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर, इंडिया गेट के अंदर की साइड में हूं। और नेशनल वॉर मेमोरियल के ही एक जो हिस्सा है परम योद्धा स्थल, वहां पर मैं आपको ले जाने वाला हूं। और एक ऐसे योद्धा के स्मारक पर जाने वाला हूं जो महज सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनको भारत का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार मिला था, परमवीर चक्र। और उस महान योद्धा का नाम है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जी शेखावत। और वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव से थे और एक राजपूत परिवार से उनका ताल्लुक था। 20 मई 1918 को उनका जन्म हुआ था और महज 18 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता से पूर्व वह उस समय की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। और स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात जब पाकिस्तान ने भारत पर, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था, उस समय कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जी शेखावत 6 राजपूताना राइफल्स में कार्यरत थे। और उनकी कंपनी को दुश्मन द्वारा कब्जाई हुई एक पहाड़ी पर अटैक करने का टास्क मिला था। और इसी लड़ाई के दौरान उन पर MMG से भारी गोलाबारी की गई और ग्रेनेड फेंके गए और उनके आधे से ज़्यादा जवान जो बटालियन के थे वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए पीरू सिंह जी ने अपने घायल साथियों को प्रेरित किया और उनकी दुश्मन की जो 2 MMG थी और उनके बंकरों को बर्बाद कर दिया। और दुश्मन की एक चौकी पर कब्जा करने के पश्चात जब दूसरी चौकी की ओर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे तो अचानक उन्हें पता लगा कि उनकी टुकड़ी के वो सिर्फ एकमात्र जीवित बचे हुए हैं। और दुश्मन ने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका, फिर भी वो लहूलुहान हालत में आगे की ओर बढ़े। उनकी गोलियां समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वो बंकर से बाहर निकल कर दूसरे पर बम फेंका और 2 दुश्मनों को अपने चाकू से वार से मार दिया। और जैसे तीसरे बंकर की और बम फेंका तो एक गोली उनके सिर में आकर लगी और तब तक जो तीसरे बंकर में उनके द्वारा फेंका गया बम था उसमें धमाका हो चुका था। और इस सब पूरे घटनाक्रम को उनको कवर फायर दे रहे कंपनी कमांडर ने अपनी आंखों से देखा था। और इस प्रकार अदम्य साहस शौर्य का परिचय देते हुए कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जी शेखावत ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। महज 30 वर्ष की उम्र में मरणोपरांत उनको भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।